हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्या है हमारा कृषि क्रांतियाँ। अब ये क्या होता है, कृषि क्रांतियाँ क्या है कि जब अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रांति होती है तो उससे क्या होता है कि कौन सी क्रांति कब हुई, तो ये नहीं पूछा जाता। कभी भी पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन आता है जो कि जैसे लिखा होगा पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है, या सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। तो इसलिए आपको क्या याद करनी है, क्रांतियां याद करनी है। तो अभी तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट आपको याद करना है। अगर आपको लगे कि इसकी भी ट्रिक होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इसकी भी ट्रिक बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम ऐसे सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 13 क्रांतियां लिखी हुई हैं। हरित क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, सदाबहार क्रांति, रजत फाइबर क्रांति, ग्रे क्रांति, गोल क्रांति और काली क्रांति। ठीक, इतनी है। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन सी क्रांति किस चीज से संबंधित है। तो सबसे पहले क्या है, हरित क्रांति। तो जो भी हरित क्रांति हमारी है वो किससे संबंधित है, वो खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न मतलब समझ रहे हो, गेहूं अनाज वगैरह जो होता है ना, उसको बोलते हैं खाद्यान्न। तो उसके उत्पादन से संबंधित क्या है, हरित क्रांति। अब अगर पीली क्रांति की बात करें, या फिर अगर ऐसा भी पूछा जाता कि खाद्यान्न उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो हरित क्रांति से। ठीक, ऐसे सेकेंड क्या दिया हुआ है, पीली क्रांति। अब पीली क्रांति किससे संबंधित, पीली से समझ में आ रहा है, पीला क्या होता है, सरसों। पीला क्या होता है, सरसों होता है, यानी तेल वगैरह से रिलेटेड हो गया है ना। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तेल बीज से। तेल बीज। अब इसमें क्या हो सकता है, सरसों भी हो सकता है, और भी अलसी होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिनसे ऑयल निकलता है ना, खास करके सरसों को लिया जाता है। इसके बाद क्या है, गुलाबी क्रांति। अब गुलाबी सोचो क्या होता है, तो गुलाबी होता है प्याज। क्या होता है, प्याज। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, प्याज से। इसके साथ साथ ये औषधि से भी संबंधित है। अगर औषधि की बात आएगी, औषधि उत्पादन की भी बात आएगी, तो किससे संबंधित होगा, गुलाबी क्रांति से संबंधित होगा। इसके अलावा एक चीज और है, वो क्या है, झींगा। अब झींगा क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा, मछली होती है। तो इनका उत्पादन क्या कहलाता है, गुलाबी क्रांति कहलाता है। इसके आगे जाए तो देखो क्या लिखा है, लाल क्रांति। क्या लिखा है, लाल क्रांति। अब लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल तो मांस से। लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस से। इसके बाद क्या है, श्वेत क्रांति। तो श्वेत से पता चल रहा है किससे होगी, दुग्ध, यानी दूध से, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से। इसके बाद क्या है, भूरी क्रांति। अब भूरी, भूरी से क्या होगा, चमड़ा या कोको, चमड़ा उत्पादन या फिर कोको। तो देखिए छह हो गई आपकी ये क्रांतियां। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तेल या बीज से, तेल बीज से संबंधित है, गुलाबी प्याज औषधि या फिर झींगा से संबंधित है, लाल क्रांति की बात करें तो मांस से संबंधित है, श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति चमड़ा या फिर कोको उत्पादन से संबंधित है। इसके आगे बात करें तो क्या है, नीली क्रांति। क्या है, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति, देखो पानी क्या होता है, नीला होता है, जैसे नदी का पानी देखें या वैसे क्या पानी, वैसे तो कोई कलर नहीं, लेकिन हम लोग मानते हैं ना कि पानी, जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं, चीजें करते हैं तो हल्का नीला बनाते हैं ना, तो उसी से याद रखना है। नीली क्रांति किससे संबंधित होगी, मछली से। किससे होगी, मछली से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद क्या है, रजत क्रांति। तो रजत क्रांति किससे होगी, अंडा उत्पादन। रजत क्रांति किससे है, अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से संबंधित है। या फिर इसी में क्या हो सकता है, कुक्कुट, मतलब मुर्गा पालन जो होता है ना, वो हो गया। इसके बाद क्या है, सदाबहार क्रांति। क्या है, सदाबहार। अब सदाबहार क्रांति में पता है क्या होता है, सारे आ जाएंगे, मतलब कृषि में जितनी भी चीजें उत्पादित होती हैं, तो कृषि के उत्पादन,
यानी कृषि में कुछ भी उत्पादित होगा वो किसमें हम लिख सकते हैं, सदाबहार। सदाबहार तो पता ही है ना, जो हमेशा बाहर रहे। तो कृषि में कोई कोई भी चीज उत्पादित की जाए सदाबहार हो गई। उसके बाद क्या है, रजत फाइबर क्रांति। रजत फाइबर क्रांति इसमें क्या होता है, इसमें कपास का उत्पादन होता है। फाइबर लिखा है ना, कपास, तो फाइबर को आप कपास से रिलेटेड कर सकते हो, कपास उत्पादन से। ठीक है, तो रजत फाइबर क्रांति आपकी किससे रिलेटेड हो गई, कपास उत्पादन से। फिर क्या है, ग्रे क्रांति, गोल क्रांति, काली क्रांति। ठीक, तो ग्रे क्रांति जो है ये उर्वरक से है। यूरिया डालते हो खेत में, जो खेत में यूरिया डाली जाती है वही उर्वरक है उत्पादन। तो ग्रे जो क्रांति है वो किससे आपके रिलेटेड है, उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है। इसके बाद क्या है, गोल क्रांति और काली क्रांति। तो गोल क्रांति जो आपकी है ये आलू उत्पादन से संबंधित है। किससे, आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद बचा क्या, काली क्रांति। तो काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन। तो ये हमने पढ़ी 13 क्रांतियां और किससे संबंधित हैं, किसके उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तेल बीज से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है, लाल क्रांति मांस से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति चमड़ा या फिर कोको उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा, सदाबहार कृषि का कोई भी उत्पादन हो, रजत फाइबर कपास, फाइबर से याद रखना है कपास, ग्रे उर्वरक, गोल आलू, काली पेट्रोलियम। ठीक, तो ये आपके 13 हो गई क्रांतियां और किससे रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।